आप यहाँ पे देख रहे हैं बिल्कुल पथरीली जमीन है। ये देखिए यहाँ पे अगर आप कण उठाएंगे ना तो मिट्टी के कण नहीं मिलेंगे, पत्थर के कण मिलेंगे। बहुत ही हार्ड मिट्टी है, पथरीली मिट्टी है, इससे हार्ड मिट्टी मिल नहीं सकती इस मशीन को टेस्ट करने के लिए। तो अब इसको हम लाइव कैमरे पर चला के दिखाने वाले हैं कि जो ये मशीन है ये कितने जो है इसमें ताकत है और क्या इसमें जो ये मिट्टी है इसको ये चीर पाती है, उसके बाद कितना अंतर जाएगी उसको भी हम देखने वाले हैं। ये मशीन शुरू हो जाती है, इसमें कोई फोटा नहीं है, आपको बस नॉर्मल एक लगा के छोड़ देना है ना। ये मशीन है चल रही है, जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे देखिए ये पत्थर निकलते हैं इस मिट्टी पे और इस मिट्टी में जो है ये मशीन चल रही है। तो आज हम इसको देखने वाले हैं जो मशीन है वो कितनी अंदर तक उसकी ब्लेड है, यहाँ पे आप देख रहे हैं पत्थर से लग रही है तो कितनी अंदर तक गई है इसको देखने वाले जाएंगे। ये देखिए ये कितना गहरे तक यहाँ पे जा रही है और जो मिट्टी है वो पूरी पत्थर से ये है। ये देखिए पूरी पत्थर ही पत्थर है इस फ्रंट रोटरी की, इसका जो किसान भाई उपयोग करते हैं सब्जियों की फसलों के लिए। तो ये कितने गहरे तक जाता है इसको हम टेस्ट करने वाले हैं। मिट्टी आप देख रहे हैं फिर से वही पथरीली मिट्टी है। तो सर इसको स्टार्ट कीजिए, इस पथरीली मिट्टी में कहाँ तक जाती है? ये जो पथरीली मिट्टी है बिल्कुल पत्थर यहाँ के टूट गए हैं, अब इसकी गहराई चेक करने का समय है। ये देखिए अगर हम इसकी गहराई चेक करते हैं तो ये देखिए ये जमीन से लगभग 5 से 6 इंच के आसपास ये गहराई है यहाँ पे देखिए आप, और मिट्टी जो आप देख रहे हैं बिल्कुल पत्थर को ये तोड़ रही है। तो अगर इस मिट्टी में 6 इंच तक जा सकती है ना दुनिया की कोई मिट्टी हो, इसके लिए जो है वो मुश्किल नहीं। बड़ी वाली मशीन है, ये कितने तरह के अटैचमेंट चला सकती है? ये जो बड़ी वाली मशीन है साहब इसमें ना आप कम से कम मान के चलिए 9 तरीके का अटैचमेंट तो अभी अवेलेबल है स्टॉक जी, और इसके अलावा 5 तरीके के और भी अटैचमेंट है जो हम लोग बना रहे हैं और आपको लोगों तक हम लोग पहुंचा रहे हैं जी। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों आज मैं आपको बैटरी से चलने वाले ऐसे 2 पावर टिलर दिखाने वाला हूं जो कि आप किसी भी तरह की खेती करते हो आपकी जो खेती है उसको आसान बना देंगे। तो ये जो पावर टिलर है किस तरीके से चलते हैं, कौन सी बैटरी लगती है, इसके बारे में पूरी डिटेल से जानने वाले हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे साथ सर हैं, हम इनसे जुड़ते हैं, इसकी जानकारी लेते हैं। सर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। नमस्कार भैया, ये हमारा जो कंपनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बैटरी से जुड़े बहुत सारे उपकरण बनाते हैं जी। आपके साथ हमने पहले भी वीडियोस बनाए हैं और उसमें भी हमने कोशिश की थी कि हम लोगों को बता सकें कि बैटरी से जुड़े प्रोडक्ट्स में कितनी ताकत होती है। ये जो है ये हमारे 2 डिफरेंट मॉडल है, एक हमारा आता है मिनी वीडर के नाम से और एक आता है हमारा नॉर्मल पावर वीडर के नाम से। ये जो मिनी वीडर है आजकल बहुत फैशन में चल रहा है, ये सेंटर माउंटेड होता है, सेंटर व्हील माउंटेड होता है, आगे की तरफ मिट्टी फेंकता हुआ चलता है ये जी। ये आपके कन्वेंशनली कोई भी आपके 3 HP 4 HP के इंजन से आप कंपेयर कर लीजिए उसी के बराबर की ताकत जनरेट करेगा जी। और बहुत बेहतरीन काम करता हुआ मिलेगा आपको, आगे की तरफ मिट्टी फेंकेगा, 8 इंच की चौड़ाई पे काम करता है ये। और इसको आप चाहे तो इसमें 12 इंची तक का व्हील चेंज करके लगा सकते हैं भाई साहब जी। ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहता है अगर आपको सिर्फ बहुत बारीक काम करना है तो। 24 वोल्ट की सप्लाई में चलता है, बहुत बेहतरीन काम करता है और बहुत बढ़िया तरीके से दिखता है जी। दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास है ये पावर वेडर है हमारा भाई साहब जी। ये हमारा दोनों ऑप्शन में आता है, 24 वोल्ट पे भी आता है, 22 वोल्ट पे भी आता है जी। इसकी खासियत ये रहती है कि ये मशीन जो रहती है आपकी बहुत बढ़िया तरीके से काम करके देती है। आप इसमें 18 इंची तक की चौड़ाई, 20 इंची तक की चौड़ाई अगर आपको काम कर रहे हैं तो वो भी करके सकते हैं जी। इसमें तकरीबन 8 तरीके के व्हील ऑप्शन अवेलेबल है। आप इसमें चाहे तो इसमें टिलर व्हील लगा सकते हैं, आई टाइप व्हीलर व्हीलर टिलर व्हील लगा सकते हैं, विडर व्हील लगा सकते हैं, डायमंड व्हील लगा सकते हैं, रबर व्हील लगा सकते हैं। इसमें बहुत मल्टीपल ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। पावर सप्लाई को आप रेगुलेट कर सकते हैं और इसमें मल्टीपल ड्राइव में चला सकते हैं जी। पीछे भी आपके बहुत मल्टीपल अटैचमेंट रहते हैं जो नॉर्मल आपके 7 HP 8 HP जो मार्केट में मिलते हैं जी, ये उसी के बराबर की पावर जनरेट करके देता है आपको जी। किसान भाई एक बार मैं यहाँ पे एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको, जो पेट्रोल की मशीनें होती है खासकर अगर आप इस तरह की मशीन लेने जाएंगे ना जो 3 HP 4 HP की होती है वहाँ पे जो है 2TL भी डालना पड़ता है। तो सर हम मशीन की पावर को देखेंगे ही, लेकिन एक बार हमें आप ये बताइए कि आपकी जो बैटरी वाली मशीन है ये पेट्रोल के मुकाबले कितनी सस्ती है और ये किस तरीके से सस्ती है इसको भी बता दीजिए। सच बात तो ये है कि दोनों ही ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे पड़ती है, ये आप ये ध्यान रखिएगा जी, जी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है जो हमारे किसान भाई आज की तारीख में समझते नहीं जी, जी। दूसरी चीज और जो इसकी खास बात यह होती है कि ये मशीनें जो रहती हैं आपकी कन्वेंशनली लॉन्ग टर्म में छोड़िए साहब, साथ ही साथ में पहले दिन से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हम यहाँ से बैटरी जब बेचते हैं, मशीन जब बेचते हैं तो वो 60% चार्ज होती है साहब। तो पहली बार जो आप मशीन यूज करेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करेंगे, ये याद रखिए। आप 3 बार बैटरी चार्ज होने में 1 यूनिट का बिजली बिल खर्च होता है साहब। आपका बिजली बिल इतना सस्ता हो जाता है, आपकी मशीन इतनी सस्ती हो जाती है कि आपके रनिंग कॉस्ट कुछ नहीं आता है जी। और मोस्टली जितने भी हम लोग मशीन बनाते हैं वो सारी की सारी चेन ड्राइव में होती है, जो गियर बॉक्स होता है वो अंदर ही इंटरनली ऑयल फिक्स रहता है, उसमें ना ऑयलिंग का टेंशन रहता है ना ग्रीसिंग का टेंशन उतना रहता है। हमको जो नॉर्मल एक थोड़ा सा बहुत करना रहता है वो करना रहता है, बाकी कुछ नहीं है इसमें जी। सर एक चीज ये कहना चाहूंगा, जैसे 1 एकड़ अगर हम चलाते हैं पेट्रोल की मशीन को और 1 एकड़ मान लीजिए हमने सब्जी खेती की है, बीच में हमें इस मशीन को चलाना है, तो उसमें लगभग 400 से 500 रुपए की लागत आ जाती है। जो बैटरी है उसका बैकअप क्या होता है
और जो बैटरी है वो मतलब एक बार चार्ज करने पे कितनी दूर चलती है, ताकि किसान भाई का अंदाजा लगा पाएंगे लागत क्या आ रही है। इसमें जो मशीन की बैकअप रहता है वो तकरीबन 3 से 3.5-4 घंटे के आसपास का बैकअप रहता है जी। मैं ये अलग अलग मिट्टी पे अलग अलग रहता है, आप कौन सा व्हील चला रहे हैं, कौन सा अटैचमेंट चला रहे हैं, उस पर बहुत मैटर करता है, बट एक एवरेज बता रहा हूँ आपका 3 से 4 घंटे का एवरेज रहता ही रहता है इसमें जी। इसके अलावा इसमें कम से कम आप मान के चलिए 2 बैटरी का ऑप्शन लेते हैं, आप 6-7 घंटा 8-9 घंटे तक आप इसको खींच सकते हैं और 1.5 से 2 घंटे के अंदर में बैटरी चार्ज हो जाती है। तो अगर किसान भाई ये सोचते हैं कि आपकी लिमिटेशन है कि इसमें ये है, आप 2 बैटरी लीजिए भाई साहब, आप 2 बैटरी के साथ में आप इसको दिन भर चलाइए और आपकी मशीन बंद नहीं होगी, पहली चीज ये, चाहे दोनों ही मशीनों की बात कर रहा हूं मैं जी। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो किसान भाई लोग अक्सर हमसे सवाल करते हैं जी जी, कि क्या ये पैनल से कनेक्टेड हो सकती है, सोलर पैनल से चार्ज की जा सकती है, बिल्कुल इसकी बैटरी है वो बिल्कुल आपके लिए काम कर सकते हैं आप उससे भी, और वो वाला भी काम आपका हो सकता है, तो फ्री में आप बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं जी। तो यहाँ पे किसान भाई हमने समझ लिया कि इसको लागत चलाने की जो लागत है, जो फ्यूल की लागत है, उसको सर ने खत्म कर दिया, वो बहुत ही कम हो गई है, 3 से 4% ही बची है। अब सर बात आती है मशीन के पावर की। किसान भाई आप यहाँ पे देख रहे हैं बिल्कुल पथरीली जमीन है, ये देखिए यहाँ पे अगर आप कण उठाएंगे ना तो मिट्टी के कण नहीं मिलेंगे, पत्थर के कण मिलेंगे। ये जो मिट्टी है बहुत ही हार्ड मिट्टी है, पथरीली मिट्टी है, इससे हार्ड मिट्टी मिल नहीं सकती इस मशीन को टेस्ट करने के लिए। तो अब इसको हम लाइव कैमरे चला के दिखाने वाले हैं कि जो ये मशीन है ये कितने जो है इसमें ताकत है, और क्या इसमें जो ये मिट्टी है इसको ये चीर पाती है, उसके बाद कितना अंतर जाएगी उसको भी हम देखने वाले हैं। तो सर एक मशीन को स्टार्ट कीजिए आप। देखिए भाई साहब, मैं सबसे पहले आपको इस मशीन का दिखा रहा हूँ, एंड देन मैं आज बाजू वाली मशीन का भी दिखाऊंगा जी। दोनों ही मशीनों को आप देखेंगे तो आपको ऑपरेशन समझ में आएगा, एमसीबी ऑपरेशन के साथ आती है, बटन दबाइए मशीन शुरू हो जाती है, इसमें कोई छोटा नहीं है, आपको बस नॉर्मल एक लगा के छोड़ देना होता है, पीछे से सपोर्ट चलता रहता है, आपको पीछे चलेगा वो, आप इसमें एक बार में आराम से आप लेके जाइए, आराम से आपकी मशीन चलती रहेगी, आपको ना कुछ टेंशन रहेगा ना कुछ रहेगा, आप चलाते रहेंगे और मशीन चलती रहेगी। किसान भैया यहाँ भी आप देख रहे हैं ना ये मशीन है चल रही है, जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ भी देखिए ये पत्थर निकलते हैं इस मिट्टी पे, और इस मिट्टी में जो है ये मशीन चल रही है। तो आज हम इसको देखने वाले हैं जो मशीन है वो कितनी अंदर तक उसकी ब्लेड है, यहाँ भी आप देख रहे हैं पत्थर से चल रही है तो कितनी अंदर तक गई है हम इसको देखने वाले हैं। तो किसान भैया जी आप देखिए जो पत्थर वाली जमीन है इसको जो मिट्टी है इसको चीर दिया है इसने, अब यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे ये देखिए ये कितना गहरे तक यहाँ पे जा रही है, और जो मिट्टी है वो पूरी पत्थर से ये है, ये देखिए पूरी पत्थर ही पत्थर है इस मिट्टी में, और ये इतना गहरे तक जा रहा है, और यहाँ की तरफ देखेंगे आप ये देखिए ये काफी गहरा जा रहा है। और किसान भैया क्योंकि मिट्टी जो है पथरीली बहुत ज्यादा है इसलिए जो है यहाँ पे ये आपको कम दिख रहा है, जबकि जो पथरीली मिट्टी है अगर ये नॉर्मल मिट्टी होती दुनिया की कोई भी जो मिट्टी है कोई भी मिट्टी उसमें जो है मशीन काफी आसानी से चल जाएगी, क्योंकि इससे पथरीली मिट्टी दिखाने के लिए टेस्ट करने के लिए मेरे हिसाब से कोई और नहीं हो सकती है। किसान भैया आपने यहाँ पे देखा कि हमने जो है ये पिछली मशीन आपने देखा हमने इसकी पावर चेक की, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कितनी गहराई में जा रही है। अब बारी है इस फ्रंट रोटर की, इसका जो किसान भाई उपयोग करते हैं सब्जियों की फसलों के लिए, तो ये कितने गहरे तक जाता है इसको हम टेस्ट करने वाले हैं। मिट्टी आप देख रहे हैं फिर से वही पथरीली मिट्टी है, तो सर इसको स्टार्ट कीजिए, इस पथरीली मिट्टी में कहाँ तक जाती है जी। आप देख रहे हैं यहाँ पर मशीन चल रही है, और जैसे कि आप देख रहे हैं पत्थर जो है इसकी आवाज बिल्कुल आ रही है, पत्थर से टकरा रहा है लोहा उसकी आवाज आ रही है, और ये कितने गहराई तक जा रहा है इसके देखने वाले हैं, इसकी जो गहराई है वो कितनी होने वाली है। सामने से आप देखेंगे ना मिट्टी बहुत गंदे हो रही है, यहाँ भी आप देखिए क्योंकि ऊपर तक जो है यहाँ पे मिट्टी आ रही है। किसान भाई यहाँ पे आप देख रहे हैं जो मशीन है वो बिल्कुल ऊपर मिट्टी फेंक रही है, बिल्कुल पथरीली मिट्टी है। अब यहाँ पे हमें देखने वाले हैं मशीन जो है कितना गहराई तक जा रही है, हम इसको भी चेक करने वाले हैं। तो किसान भाई ये देखिए ये जो पथरीली मिट्टी है बिल्कुल पत्थर यहाँ के टूट गए हैं, अब इसकी गहराई चेक करने का समय है। ये देखिए अगर हम इसकी गहराई चेक करते हैं तो ये देखिए ये जमीन से लगभग 5 से 6 इंच के आसपास ये गहराई है यहाँ पे देखिए आप, और मिट्टी जो आप देख रहे हैं बिल्कुल पत्थर को ये तोड़ रही है। तो अगर इस मिट्टी में 6 इंच तक जा सकती है ना दुनिया की कोई भी मिट्टी हो इसके लिए जो है वो मुश्किल नहीं हो सकती है, क्योंकि जैसे कि आप इसके ब्लेड्स भी देख रहे हैं ये भी काफी मजबूत लोहे के हैं। आमतौर पर जो आप देखते हैं वो जो ब्लेड्स होते हैं अगर इतनी हार्ड मिट्टी चला देंगे उनको ना तो वहां पे वो मुड़ सकते हैं, लेकिन इसको आप देख रहे हैं जब ये चलता है तो आपने देखा होगा कि इसकी जो आवाज है बिल्कुल टन टन की आ रही है, क्योंकि जो पत्थर है और वो लोहा उस पर टकरा रहा है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं इतनी गहराई में जो है ये जा रहा है। तो सर हमने दोनों मशीनों को लाइव डेमो कर लिया, और जो लाइव डेमो में जो किसान भाइयों ने देखा कि इससे कठोर मिट्टी को और कोई हो नहीं सकती, और इस जो ये मशीन है अगर इस कठोर मिट्टी में इतना अच्छा काम कर रही है दुनिया कोई जो मिट्टी है इसके लिए जो है मुश्किल नहीं है। लेकिन अब बात आती है जो आपकी ये बड़ी वाली मशीन है ये कितने तरह के अटैचमेंट चला सकती है। ये जो बड़ी वाली मशीन है साहब इसमें ना आप कम से कम मान के चलिए 9 तरीके का अटैचमेंट तो अभी अवेलेबल है इन स्टॉक।
और इसके अलावा 5 तरीके के और भी अटैचमेंट है जो हम लोग बना रहे हैं और आपको लोगों तक हम लोग पहुंचा रहे हैं। इसमें से कुछ अटैचमेंट आपके सामने हमने रख रखे हैं। सबसे पहले जो अटैचमेंट है वो हमारे पास रखा हुआ है, जिसको हम लोग मिट्टी पलटने वाला अटैचमेंट कहते हैं। ये हमारे लिए मिट्टी पलटने का काम करता है। ये देखिए, ये जमीन के अंदर घुसता है और एक साइड मिट्टी चढ़ाने का भी काम करता है। ये मिट्टी भी चढ़ा देता है और मिट्टी पलट भी देता है। ये मशीन के साथ लग जाता है। इसके अलावा हमारे पास ये आई टाइप टिलर व्हील कहलाते हैं। आई टाइप टिलर व्हील क्या होता है कि जमीन को जब खोदने का काम करना रहता है, ये आप देखिए 5-5 इंची 4-4 इंची की गहराई के रहते हैं, ये जमीन को खोदने का काम करते हैं। इधर आपको मिल जाएंगे रोटावेटर व्हील भी कहते हैं, जिनको हम इनको डायमंड व्हील भी कहते हैं। ये डायमंड व्हील का क्या होता है, ये इतने हैवी डायमंड व्हील होते हैं कि बेसिकली जमीन मिट्टी को जो रहता है वो गुरगुराहट करने के लिए करके हैं। इसके अलावा हमारे पास ये एल टाइप भी रखे हुए हैं। ये छोटे एल टाइप है और इसमें बड़े एल टाइप भी लगते हैं। मशीन में जो लगा हुआ है वो बड़ा एल टाइप लगा हुआ है। जो बड़ा एल टाइप रहता है, जब वो मिट्टी बहुत हार्ड रहती है तो आप बड़े एल टाइप को यूज करिए, और मिट्टी जब आपकी सॉफ्ट है तो आप उसमें छोटे एल टाइप का उपयोग करिए। इसके अलावा हमारे पास ये रबर व्हील भी लगे हुए हैं, जो आपके लिए लोडर का उपयोग के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बाद में आपके लिए जो हम लोग खरपतवार हमारे खेतों में होता है, खरपतवार को हटाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए जो उपयोग करना रहता है, वो इसके लिए भी आप इसको भी यूज कर सकते हैं। रही बात इस मशीन में, ये भी अटैचमेंट इसमें भी लगता है। इस मशीन में आप तकरीबन 3 तरीके के व्हील चेंज कर सकते हैं। इसमें 12 इंच की चौड़ाई से लेकर 8 इंच का जो लगा हुआ है वो आप चला सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो आप इसमें मिट्टी चढ़ाने का उपकरण लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो वीड कलेक्टर लगा सकते हैं। ये सारे ही अटैचमेंट इसमें लग जाते हैं। इसमें आप मोटा व्हील भी लगा सकते हैं। ये आपका सारा तरीके का काम करने के लिए कामयाब रहता है। खेत में अगर आप यूज कर रहे हैं, जो हमारी सब्जी भाजी की बागवानी का काम करते हैं, उनके लिए ये सच तौर पे बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। जी आपको मैंने दिखाया भी डेमो में कि देखिए मिट्टी जो है, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ कि इतनी हार्ड मिट्टी को इतना गहरे तक खोदना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वो चाइना वाले भी दिखाते हैं ना ऐसे उठा उठा के, ये वही चीज है। जी तो जैसे सर ने बताया कि जो अगर आप सब्जी वर्गीय खेती करते हैं, जैसे आपको खेत में जो है मिट्टी चढ़ाना है, बीच में गुड़ाई करना है और अपने खेत में जुताई के बाद खरपतवार निकालने हैं, तो उसके लिए ये बेस्ट मशीन है। और अगर मैं बात करूँ ना, जैसे कि बात आती है कि तुलना हम करते हैं कि जो वो मशीन है वो कितना काम करती है, ये मशीन कितना काम करती है, जैसे कि सर ने शुरू में ही कहा कि ये बैटरी से चलती है। अगर आपको ज्यादा काम करना है तो एक मशीन बैटरी को आप लगा दिए चार्ज में और दूसरी मशीन में लगा दीजिए, आप काम करते रहेंगे 1.5-2 घंटे में जो है दूसरी बैटरी चार्ज हो जाएगी और इस बैटरी का जो बैकअप है वो 3 घंटे से ज्यादा का है। तो अगर आप सब्जी खेती करते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट मशीन। और अगर हम इस मशीन पे आए ना, तो ये जो मशीन है किसान भी, इसको मैं कह सकता हूं अगर आप खेती करते हैं ना तो आपके खेती की हर तरह से काम कर सकता है। जैसे ही बरसात का सीजन है, बरसात से पहले किसान भाई मिट्टी पलटने का काम करते हैं और जुताई करते हैं सूखी में, तो उसके लिए जो अटैचमेंट सर ने बताया, उसके अलावा रोटावेटर चलाना है, बीज में निराई गुड़ाई करना है, आपको जितनी तरह की भी जरूरत है ना, ये पावर टिलर जो है आपकी पूरी कर देगा। तो हमने यहाँ तक समझा जो ये पावर टिलर है ये सब्जी और किसानों के लिए ये है, और ये जो है ये ऑलराउंडर है तो सबके लिए हो सकता है। अब बात आती है सर की जो ये मशीन है, ये जिसकी जो बैटरी है इसके बारे में डिटेल्स में बताइए, जो बैटरी है किस तरीके से अटैच होती है, मशीन किस तरीके से चलती है, उसके बाद इसकी क्या प्राइस है, कैसे मंगा सकते हैं, वहां पे हम जाएंगे। देखिए साहब, इसमें दो ऑप्शन है बैटरी अटैच करने का। पहला ऑप्शन जो है आपके लिए वो तो है कि पीठ में आप टांग सकते हैं, जैसे मैंने टांग के रखा हुआ है, दोनों ही मशीनों में आप ऑप्शन उपयोग कर सकते हैं। देखिए साहब, आप इसमें बैटरी के रखने का दो ऑप्शन है हमारे पास। एक तो है ये सॉफ्ट पैक जिसको कहते हैं हम लोग, आप इसको चाहे तो अपनी पीठ में डाल के बैटरी बैग में डाल के चला सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो हम लोग आजकल देना चालू कर चुके हैं वो है हमारे मेटल बॉक्स के अंदर में। आप मेटल बॉक्स में इसमें रहेगा, मेटल बॉक्स में ये बैटरी बॉक्स लिखा हुआ भी है यहाँ पे, ये बैटरी बॉक्स के अंदर भी ये बैटरी चली जाती है और इसके साथ में आप इसको रख के भी चला सकते हैं। ये दोनों ही ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल रहते हैं इस मशीन के साथ में। आप इसके अलावा चाहें तो इसमें मल्टीपल तरीके से और भी तरीके से बैटरी भी जरूरत कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि और भी बड़ी बैटरी की आवश्यकता है आपकी, वो भी इसमें पूरी हो जाती है। जी, और बैटरी लगाने का तरीका दोनों मशीनों में सेम ही है? सेम ही है साहब, बहुत ही आसान है। ये कनेक्टर्स ये रहते हैं, ये कनेक्टर से मेल फीमेल का कनेक्टर रहते हैं। हमने इतने आसान कनेक्टर लगा रखे हैं, ये कनेक्टर लगाया, ये बैटरी कनेक्ट हो गई, यहाँ से चालू करेंगे ये मशीन चालू हो जाएगी और यहाँ पे दिखना भी शुरू हो गया। ये दिखना भी शुरू हो जाता है कि आपकी बैटरी कितनी है, कितनी बची हुई है, कितना वोल्टेज दिखा रहा है, कितना अभी चल सकता है, कितना अभी आपका बचा हुआ है, ये सारा ही ऑपरेशन शुरू हो जाता है। यहाँ से बटन दबाने से मशीन शुरू भी हो जाती है और ये बहुत ही आसान होता है। इसमें वोल्टेज रेगुलेशन का भी ऑप्शन आपको अवेलेबल मिल जाता है कि वोल्टेज रेगुलेशन करके या स्पीड कंट्रोल जिसको ऑप्शन होते हैं वो भी आपको इसमें अवेलेबल मिल जाता है। आप मशीन को बड़े आराम से इसमें यूज कर सकते हैं और कोई भी तरीके की परेशानी नहीं आएगी आपको। तो सर हमने ये समझ लिया कि जो मशीन है किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से चलती है। अब बात आती है इसका प्राइस क्या है और जो किसान भाई इसको खरीदना चाहते हैं इसको कैसे खरीद सकते हैं। तो भाई साहब, इसमें ना मशीनों में जैसे मैंने आपको बताया कि मशीनें बैटरी से उपयोगी हैं और उसके बाद लोगों का एक्सपेक्टेशन ये होता है कि ये बहुत महंगी होंगी या बहुत वो होंगी,
मैं आपको सबसे पहली बात बता दूं कि इसकी कीमत आपके कन्वेंशनल पेट्रोल वाले के कंपेयर में ही होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, हम प्योर मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, हमारा प्योर मैन्युफैक्चरिंग का ही हमारी कारखाना है, तो वहां पे हम इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर कोई किसान चाहे तो हमारे पास ऑफिस में आके भी इसका डेमो करा सकता है, देख सकता है मशीन को, तभी लेके जाए। आप चाहें घर बैठे भी कॉल करके इसको मशीन को मंगवा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है इस मशीन में, वो मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कि ऐसी कोई भी मशीन नहीं है जो आपको इसमें स्पीड कंट्रोल का भी ऑप्शन दे बैटरी में। और मैं आपको स्पीड कंट्रोल का भी ऑप्शन दे रहा हूँ इसमें। सबसे पहले बात करते हैं इस मशीन की बात, तो ये आपकी जो मशीन शुरू होती है वो आती है 41,500 रुपए में। 41,500 रुपए में आपको ये मशीन अवेलेबल मिलती है। आपको इसमें दो तरीके के व्हील मिलेंगे और आपको एक बैटरी मिलेगी। आप डबल बैटरी ऑप्शन चाहते हैं तो ये 60,000 रुपए के पड़ता है। 60,000 रुपए में दो बैटरी मिल जाएगी, दो तरीके के अटैचमेंट मिल जाएंगे और आपको रिगर ऑप्शन तो रहेगा ही रहेगा। सही बात है इस मशीन की। तो इस मशीन में भी आपका 26,500 रुपए में, मैं अगेन कहूंगा 26,500 रुपए में आपको एक बैटरी मिल जाती है, जो आपको अगेन इसकी भी बैटरी आपको 3 से 4 घंटे का एक बैटरी का बैकअप मिलेगा। दूसरी बैटरी इसमें भी 3 से 4 घंटे का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। 26,500 रुपए में ये मशीन आपको अवेलेबल मिलती है। खास बात यह है कि इसमें जो है वो आपको 2.5 से 3 घंटे का बैकअप होने के साथ साथ आप इसमें डबल बैटरी का भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इसमें 18 AH का भी ऑप्शन आता है, वो भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा हमारे पास। और इसमें आप मल्टीपल व्हील का, जो मैंने आपको बताया था, मल्टीपल व्हील भी यूज कर सकते हैं। तो आप जो भी आपको अलग से चाहिए रहेगा वो हमारे पास अवेलेबल होगा। आपको मशीन में कोई भी तरीके का अटैचमेंट है, कोई भी तरीके की प्रॉब्लम है, जो भी पार्ट सही रहेंगे वो सारे अवेलेबल मिलते हैं। हमारी सबसे खास बात है, हम प्रोडक्ट को सर्विस के बेस पे ही बेचते हैं। हमारी सर्विस का हमारा वादा होता है, गारंटी होती है। जी सर, जो पावर टिलर है इसकी गारंटी वारंटी किस तरीके से होती है, क्या सर्विस इसकी देते हैं, इसके बारे में बता दीजिए। तो मैंने जैसे इस बात को खत्म किया था, इसी बात से मैं शुरू करता हूँ कि हमारी कंप्लीट मशीन की गारंटी वारंटी होती है, वो 1 साल की होती है। एक साल की मशीन की वारंटी गारंटी होती है, बैटरी की गारंटी वारंटी होती है। और सबसे खास बात, हमारी सर्विस जो होती है वो पूरी जिंदगी के लिए आपके लिए अवेलेबल रहती है। आप मशीन लेके जा रहे हैं हमसे, हमसे वादा लेके जा रहे हैं, हम मशीन को सबसे अच्छा देने की कोशिश करते हैं, गारंटी भी देने की कोशिश करते हैं। पार्ट्स आपको इतने इजी लगाए गए हैं ताकि आपके घर पे पहुंच के अवेलेबल भी हो जाएं, आपको वहां पे इजी अवेलेबल हो जाएं और वहां पे पास में ही लग भी जाएं। तो कोई भी कहीं का भी कस्टमर हो, चेन ड्राइव मैकेनिज्म है, कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी इसका उपलब्धि हो सकती है आपको पार्ट्स की। जी तो सर, इसको कैसे खरीदे किसान भाई, उसके बारे में बता दीजिए। तो इसमें स्क्रीन में दिए हुए नंबर आपको आ रहे होंगे, 9098995920, इस नंबर पे आपको संपर्क करना है। मैंने आपको कीमत बताई हुई है, कंपनी के खाते में मात्र 6,000 रुपए डालने के बाद में आप इस मशीन को घर बैठे मंगा सकते हैं। आपको जहां पे भी नियरेस्ट डिलीवरी सेंटर होगा वहां पे उसका मिल जाएगा। जो भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगते हैं वो आपको बियर करने पड़ेंगे। बाकी कोशिश ये करिएगा कि आप अगर आ सकें तो आपका हाथ जोड़ के मेरी विनती होगी, आप आइए हमारे ऑफिस में आके डेमो देखिए, मशीन लेके जाइए। घर बैठ के मंगाना चाहते हैं घर बैठ के मंगाइए। हमारे मोस्टली हर जगह पे किसान हैं, हमारे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, हर जगह पे आपको हमारे किसान मिल जाएंगे। अगर आपको रेफरेंस की आवश्यकता रहती है, हम रेफरेंस देने की कोशिश करते हैं। आप उन किसानों के पास जाके भी मशीन देख सकते हैं, हमारे पास भी आ सकते हैं। भैया आपने देखा कि यहाँ पे हमें जो है दो मशीन दिखाई, अगर आपको सिर्फ सब्जी वर्गी फसलें लगानी है तो वही आपके लिए मशीन है। आप न सिर्फ सब्जी लगाते हैं, कपास लगाते हैं, या फिर आप गन्ना की खेती करते हैं ना, गन्ना हो गया, कपास हो गया, सब्जी वर्गी फसल, कोई भी ऐसी फसल जिसके किसान भाइयों की जिसके बीज में गुड़ाई करने जरूरत पड़ सकती है या बीज में खरपतवार हटाने जरूरत पड़ सकती है, तो ये आपके लिए मशीन है। जो पेट्रोल की मशीनें आती हैं जो कि चाइना से इंपोर्ट की जाती हैं, उनमें किसान भाइयों आपको पेट्रोल डालना पड़ता है, उसके साथ में टूटी ऑयल डालना पड़ता है, गियर ऑयल डालना पड़ता है, ये सारी चीजें डालनी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको बैटरी चलाना, जैसे सर ने बताया, बैटरी को जोड़ना बहुत ही आसान है, तो ये आपके लिए मशीन है। उसके अलावा जो ये ऑलराउंडर पावर टिलर है, क्योंकि ये जो है खेती के हर तरह के काम करता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इतने सारे अटैचमेंट यहाँ पे रखे हुए हैं, इसके अलावा भी 3 से 4 अटैचमेंट इसमें लगते हैं जो कि यहाँ पे नहीं रखे हुए हैं। तो ये दोनों पावर टिलर अगर आप इनको खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और आपका ऑर्डर भी बुक कर लिया जाएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।